जाना हूँ मगहिया जवान के नाम से है कि ना, तो बात करिए मगहिया में तो बढ़िया लगता है। दुनिया बंगाली बंगाली में बात कराई जी, तमिल तमिलनाडु में बात कराई, महाराष्ट्र मराठी में बात कराई, भोजपुरिया भोजपुरी में बात कराई, तो हमने मगहिया में बात कर भी तो कौन सा है कि ना। आवाज अगर दुनिया हमारा जानी थी तो मगहिया जवान के नाम से जानी थी, तो मगहिया जवान खाली हम ही थोड़े ही है, संजय भी अशोक भी सब मगहिया ना थी जी। हमने वही ना कहा है नमस्कार प्रणाम रहते और जय मगध जय बिहार रहते है कि ना। तो मगध के झंडा गाड़े लाई है और आज मगध के धरती पे ही, तो मगध के धरती पे संजय भैया, निशा मैडम, अशोक भैया, बगल में सुजीत भैया आती, और थोड़ा माफी चाहिए बहुत सारे बड़े भाई के नाम ना जाना ही हम। विशेष आज इस प्रकार के भीड़ और मेला देख के एक एक चीज लगी थी, राजनीतिक ना हो तभी बढ़िया है। आज हमने सिर्फ बात कर ले करे ही है अपन समाज है कि ना, राजनीति के लिए भीड़ है कि अपन समाज राजपूत ला भीड़ जी, समाज ला भीड़ है। लेकिन सबसे बड़ी बात बढ़िया तब लगा है जब अपन समाज ला, पार्टी चाहे कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, राजद हो, बसपा हो, सपा हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर उस पार्टी में भी कोई व्यक्ति रह के अपने समाज के लिए कुछ कर रहा है तो उससे बड़ा योद्धा कोई नहीं है। विशेष धन्यवाद आज आदरणीय पूजनीय हमारे बड़े भाई संजय भैया को नमन वंदन कि आज इतना बड़ा मंच जो पूरे बिहार में इकलौता ऐसा तो जिला हो जी चित्तौड़गढ़ के नाम से जाना जाओ है कि ना, ये चित्तौड़गढ़ के नाम से जाना जाओ, राणा दीपू भैया कह लो कि औरंगाबाद औरंगाबाद ना रहे, खाली जोगिया जी चेंज कर देती जी। बड़ा भाई लोग अशोक भैया है, निशा मैडम है, एमएलसी हमारे क्षत्रिय वीर कहे जाते हैं संजय भैया है, हम अनिये खाली बोल में लेकिन जिन्हें ट्रेंड कर दिले यूट्यूब पे फेसबुक के उदिन हो गए चित्तौड़गढ़ है कि ना, अपने आप हमने चेंज कर दी खाली हमने चार्ज में था। तो विशेष बहुत सारे लोग आज आए हुए हैं, सारे लोगों को छोटे भाइयों को हमारा प्यारा नमस्कार और बड़े भाइयों के हमारा दंडवत प्रणाम। आज इस मंच से हम यही कहना चाहेंगे संजय भैया एमएलसी जो क्षत्रिय वीर कहे जाते हैं, आज उनके अगुवाई में इतना बड़ा महारैली का आयोजन किया गया है, महाराज कहने कोई खाली थोड़े दिख रहा है, सगरो भरल है कि नहीं। और हमने छोटा सा जगह पे भी वो आयोजन सर घाटी में कर लियो है ना, पूरा जहाँ से फोन आवी थो तो लगी तो कही तो भैया सबसे बड़ा रैली हम अभी इंतजार करो, 20 तारीख हमारे चित्तौड़गढ़ में होने वाला है संजय भैया के अगुवाई में। अभी तो ट्रेलर ताजी फिल्म है, तो धन्यवाद प्रणाम हमारा संजय भैया को, हमारे बड़े भैया अशोक भैया को भी बहुत बहुत प्रणाम, निशा मैडम जी हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन आज हम भी एक यहाँ पे आह्वान करेंगे भैया 10 साल 15 साल 20 साल बड़ी राजनीति है, लेकिन हमने युवाओं के लिए किए क्या, बड़ी बात कहेंगे तो शाम से सुबह हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा आज इस आयोजन के योद्धा है तो एक प्रिंस मुखिया से विख्यात हमारे राजा धीराज प्रिंस भैया भी हैं। आपको पता होगा कि इस आयोजन कार्यक्रम का निर्धारण औरंगाबाद में किया जा रहा था, लेकिन हमारे वीर और युवाओं के आदरणीय प्रिंस भैया ने कहा कि नहीं, राजपूतों के दहाड़ के लिए कोई ग्राउंड चाहिए, शहर से दहाड़ेंगे तो आवाज रुक जाएगा है कि नहीं। तो प्रिंस भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद, सुजीत भैया हैं, बहुत सारे हमारे मित्र बंधु भी हैं, ऋषु जी हैं, एक आपके भीम जी हैं, निरंजन भाई है, बहुत सारे लोग हैं, चर्चाएं तो करेंगे, लेकिन शहर में एक और योद्धा जैसा काम कर रहा है आपका, उस शख्स का नाम साथ आप जानते होंगे लेकिन आज बोल देंगे तो जानेंगे, एक बीएसएफ के जवान है वरुण भैया जो हमारे बड़े भाई से भी बढ़ के हैं,
महाराज केकरा कुबत है जी कि अपन पैसा कौड़ी लगा के हर साल 21-20 बेटी के ब्याह करावे। महाराज 100 बेटी के बाप आज है, भले उनकर बेटी हो या ना हो। क्षत्रिय का मतलब होता है त्याग, बलिदान, तपस्या, सब कुछ जो दूसरों के लिए निछावर कर दे। और हमने के फर्क पड़ता है जी, हमने दो चकवा बाइक से चलते हैं, दिन रात सुबह शाम अगर कोई कहीं बुलाते हाजिर रहते हैं। समझे कि नहीं, हम गया से चल के आए हैं राणा दीपू भाई, लेकिन हाँ एक बात और, थोड़ा माफी भी हम चाहेंगे राणा दीपू भाई के तरफ से भी, अपने तरफ से भी। हमारे अगर आदरणीय बड़े भाई हैं तो नरम दल के होंगे, लेकिन हमने नैको मरिया वाला तो गर्मे दल के हैं जी, तो सब दल के रहना जरूरी है। खाली गांधी जी देश के आजाद कर देते, अरे कर देते जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस क्यों जरूरी था? तो गर्म दल के लेके चले पर तो ऐसे थोड़े हो तो है कि ना। तो बड़ा मजा आ रहा है, बहुत सारे भाई हैं हमारे, और हम ज्यादा कुछ बोलेंगे तो फिर छोटा हो जाएंगे, और छोटा तो है ये है ना। तो वरुण भैया को एक बार खड़ा होने बोलेंगे, एक बार भैया, ये हमारे बीएसएफ के जवान है जो प्रत्येक अभी 26 तारीख फिर बिया है, 27 तारीख हिंदुस्तान के हर एक कोने में इनका आवाज गूंजता है। हाँ एक बात और बोल रहे हैं, कोई नेता मंत्री विधायक हरे वहां चंदा भी ना मांगते हैं, यो बता दे रहे हैं, अपन बलबूते करते हैं। और इतना ही कहेंगे, हम तमाम युवा जब फंसते हैं ना तो कुछ नहीं मांगते हैं, बस भैया लोगों का साहस मांगते हैं। कभी जाए ना तो भैया लोग ना ना कहें, क्योंकि हाँ कहे आप हमारे बड़े भाई हैं, और लड़के आपसे इस्लाम लेंगे। बहुत सारे कठिनाइयों में राणा दीपी भाई भी फंसा है, हम भी फंसे हैं, लेकिन फर्क ना पड़ता है, राजपूत में है जी, और जीते दूसरे के लिए है, है कि नहीं। दुनिया क्या कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ा मजा आ जा रहा है, और यही कहेंगे, बहुत लोगों को बोलना भी है, हमने बोलवो तब इहान हो जाता है कि ना। हम मगहिया लोग ऐसे भी जाते है, सब मगहिया थे महाराज, और अंगोवत मगहिया में ना है। एक बात और, भाषों के हमने क्या बढ़ावे ला है, भोजपुरिया तो चलवे कर तो मगहियों के चलावे पड़ते है कि ना। हियो हमने मगहिया कहीं भी झंडा गाड़ देव, बाकी यही रहतो, नमस्कार प्रणाम रहतो, और छोट भाई के भी कुछ बात बोले देवे है ना। समारोह बगल में भले ही मौज चारों तरफ हो, लेकिन ससुरी आएगी तो एक ही जगह से ना, और जब आएगी तो निपटेंगे, एक ही बार आएगी, देखा जाएगा। लेकिन हाँ एक बात जरूर बोलेंगे कि इस कार्यक्रम में एकता की बहुत बड़ी कमी लग रही है। हम राजपूतों को ये जरूरी है कि एकता को बढ़ावा दिया जाए। यहाँ औरंगाबाद को गांव गांव, शहर शहर लोग क्षत्रिय का निवास कहते हैं, लेकिन एकता बहुत कम है भाई, उसको बढ़ाना पड़ेगा। इससे पहले हम लोग एक रैली किए थे सिरघाटी में, वहां दूर दूर से लोग आए थे, लेकिन यहाँ बहुत कम है, तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। और सुखदेव सिंह गोगामणि जी को जो हमारे लिए करके गए हैं कुछ नहीं, तो एकता को बहुत बढ़ा के गए हैं, तो उसको सर्वोपरि मान के अपने को काम करना पड़ेगा। उनका क्या फायदा था जी, क्या ही फायदा था, मतलब बताइए कि वो जगह जगह घूम के एकता बटोरते थे, और हम लोग एकता में नहीं रह रहे हैं तो क्या फायदा, एकता बढ़ाना पड़ेगा। बस हम इतना ही कहना चाहेंगे, क्योंकि इस औरंगाबाद को चित्तौड़गढ़ बोला जाता है, और इस चित्तौड़गढ़ से इतना ही लोग आए हैं तो बहुत ज्यादा नहीं है, तो और भीड़ यहाँ पे कायम करना पड़ेगा। बस हम इतना ही बोलना चाहेंगे। चले छोटे भाई को शुक्रिया, आप विदा लेना चाहेंगे, और जाते जाते बस एक बात बोलेंगे, बस बस बस। बहुत सारे लोग आज दुकानदारी, बिजनेस बाड़ी सब छोड़ के आए होंगे, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए उनको सुना दीजिएगा, जो आज इस भीड़ का हिस्सा नहीं है ना, जो आज इस रैली छतरपुरी क्षत्रिय आह्वान रैली का हिस्सा नहीं है ना, सच बता रहे हैं, माई कसम खाई थी, उकर मां ने मर्द पैदा किया ही नहीं। महाराज पहले अपना समाज, दुनियादारी सब बाद में रह दो, समझे कि नहीं। बाकी नमस्कार प्रणाम रह दो, जय मगध जय, प्यार रह दो, जय।